नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। पुराने मोबाइल सेट में नए नए सिम डालकर मंगाते थे रंगदारी, नहीं देने पर पीड़ित के घर करते थे फायरिंग, पुलिस ने दबोचा। रिसाड़ी गेट पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से थाने की पुलिस के लिए सिरदर्द बने रंगदारी मंगाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के मुखिया सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तीन पुराने मोबाइल और दो अनयूज्ड सिम सहित भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। पीछे मेरठ से वीरपाल सुरानिया की एक खास रिपोर्ट। रंगदारी प्रकरण है, उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार करा गया है, क्या मामला है पूरा? ये अनवार नाम का व्यापारी है, जिसके सराफा और एक बैकलाइट की दुकान है। इसको पहले जून में फोन पे धमकी दी गई, साथ ही साथ धमकी देने के उपरांत इसके घर पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोग गए, जिसपे उसके घर पे फायरिंग की। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा रिसाड़ीगढ़ में पंजीकृत किया गया था। हम लोगों ने इसमें इंस्पेक्टर रिसाड़ीगढ़ और पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो सबसे पहले जिन्होंने धमकी दी थी वो सिम बरामद हुआ है, साथ ही साथ मोबाइल बरामद हुआ है, और जिन असलहों से उन्होंने फायरिंग की थी, जिसमें एक 32 बोर पिस्टल है और साथ ही साथ में दो तमंचे बरामद हुए हैं, और साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल थी सफेद, वो भी हम लोग बरामद कर लिए हैं। इनकी सबसे सातिर ये अंदाज ये था कि जो भी ये सिम प्रयोग करते थे केवल एक बार प्रयोग करते थे, घटना के समय केवल एक बार फोन किए जिससे रंगदारी मांगी गई, फिर और उसके उसमें जो यूज करते थे मोबाइल नंबर भी पुराना रहते थे, उस मोबाइल को भी उठा के फेंक देते थे। तो उन्हीं सब सर्विलांस की प्लस मुखबिर की मदद लेते हुए आज घटना का अनावरण किया गया है, तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही साथ एक अभियुक्त फरार है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी। मास्टर माइंड कौन है गैंग का? इसमें मुख्य मास्टर माइंड है इमरान, जो इससे पहले कोतवाली क्षेत्र में 2018 में 376 पॉक्सो एक्ट में जेल भी गया था। उसने चूंकि वो चांदी का काम करता है, इनके यहाँ सप्लाई उप्लाई भी करता था और व्यापारी के बारे में काफी हद तक जानता था, और व्यापारी ने अभी हाल ही में एक मकान विक्रय किया था, तो इनको पता था कि उसके पास पैसे हैं और वो थोड़ा आसानी से जल्दी हमको दे देगा। उसी में पूरा षड्यंत्र स्थापित करते हुए सुयेब और सावेज को इसने सम्मिलित किया, और एक हमारा जो फरार अभियुक्त है फुल्लू, उसकी बुलेट मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया, और इन्होंने डिफरेंट तरीके से, पहले जून में इन्होंने एक बार धमकी दी, जून के बाद में इन्होंने व्यापारी सोचा कि कहीं वैसे कोई बात हुई है, फिर जाके इन्होंने अक्टूबर में धमकी दी, जैसे पुलिस को सूचना दी, पुलिस इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करनी प्रारंभ की, इन्होंने उसके घर पर जाके फायरिंग भी की। तो हम लोगों ने सारी कड़ियां जोड़ते हुए और बहुत ही बारीकी से वो सिम भी बरामद कर लिए हैं जो एक बार प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ इनके पास से तीन पुराने मोबाइल भी बरामद हुए हैं, और दो सिम ऐसे मिले हैं जिन पर कोई भी कॉल अभी तक नहीं की गई। तो यह हो सकता है कि इस घटना में कहीं और प्रयोग करते, तो अभी हम लोग बरामद कर लिए हैं, और इसमें और गहराई से हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं कि एक्चुअल में इन लोगों ने और पहले कहीं कुछ किया है कि नहीं किया है, तो सारी चीजों को हम लोग विवेचना के दौरान करेंगे। और व्यापारी संतुष्ट है सारी चीजों को, हम बेखौफ है, पुलिस संबंधित कार्रवाई की जा रही है।